भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है, जिसके कण कण से इतिहास बोल उठता है। बात ज्ञान विज्ञान की हो या फिर राजनीति या पहचान की, बिहार हर एक क्षेत्र में भारतीय मानचित्र को शुभमान करती है। इस बिहार की धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनकी ख्याति और लोकप्रियता आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। कुछ ऐसे भी महापुरुषों का जन्म हुआ जिनकी महानता सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। जब भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ आजादी के लिए अंग्रेजों से जद्दोजहद कर रहा था, तभी बिहार की राजधानी पटना के पास सूफी संतों की नगरी मनेर शरीफ, जो एक प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थस्थल है, यहाँ की नजारे प्रसिद्ध हैं। मनेर शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव बहपुरा। बहपुरा में शेख अहमदुल्लाह के घर 22 दिसंबर 1866 को सूर्य के समान तेज अपनी आभा से सबको प्रभावित कर देने वाला एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ मौलाना मजहरुल हक। जमींदार परिवार का इकलौता वारिस दादाजी का नाम काजी शखावत अली हक साहब को विरासत के तौर पर घर में ही अरबी व फारसी की आरंभिक शिक्षा मिली। फिर मदरसा इस्लामिया बहपुरा से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर उच्च विद्यालय की शिक्षा 1886 में पटना कॉलेजिएट से पूरी की। उसी वर्ष पटना कॉलेज में भी आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। सन 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद तालीम की ललक ने इन्हें 1888 में इंग्लैंड पहुंचा दिया, जहां इन्होंने लॉ की शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर इनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण कर मौलाना साहब ने इंग्लैंड में ही अंजुमन इस्लामिया का गठन किया। यह संस्था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। बाद में इसका नाम पंजाब इस्लामिया सोसाइटी लंदन रखा गया। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती थे। जिंदगी भर उन्होंने ये कोशिश की कि ये दोनों कौम एक साथ मिलके काम करें और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। 1891 में हक साहब बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आ गए। वकालत के प्रारंभ में इन्हें आशानुरूप सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक मित्र की राय पर उन्होंने न्यायिक सेवा को ज्वाइन किया और मुंसिफ बन गए। 4 वर्षों तक मुंसिफी करने के बाद मौलाना मजहरुल हक साहब 1896 में उससे त्याग पत्र देकर छपरा गए। यहीं पर वकालत की शुरुआत कर कम समय में ही काफी प्रसिद्धि पाई। इसी बीच 1897 में देश में अकाल की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई। जनता अन्न वस्त्र के बिना कराहने लगी। इसके लिए बनाए गए रिलीफ कमेटी के छपरा में इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसमें इनके भगीरथ परिश्रम से लोकप्रियता बढ़ी और फिर सर्वसम्मति से नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। उस जिस वक्त बिहार के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं शुरू हुई थी, बिहार एक अलग सूबा भी नहीं बना था, उस वक्त मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में उनके जनरल सेक्रेटरीशिप में कांग्रेस 1908 में बनी थी। बिहार तो 1912 में इसका एक एग्जिस्टेंस बंगाल से अलग हुआ है, लेकिन 1908 में जो कांग्रेस बनी थी उसके मौलाना मजहरुल हक कर्ता धरता थे। और यही नहीं, मौलाना मजहरुल हक जो 1908 में मुस्लिम लीग बनी थी ढाका के अंदर, उसके भी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थी। अब ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, और कांग्रेस के और अध्यक्ष भी रहे और मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया अध्यक्ष भी रहे, इनकी एक पर्सनालिटी एक बहुत ही बहुआयामी पर्सनालिटी थी। इसी बीच अपने बहनोई
अब्दुल हक साहब के सुझाव पर इनके ग्राम के निकट फरीदपुर में इन्होंने एक जमीन खरीदी और रहने के लिए एक छोटा बंगला भी बनवाया, जिसका नाम रखा आशियाना। आम और गुलाब के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण मकान की एक ओर विभिन्न प्रकार के आम के बाग लगे और दूसरी ओर फूलों के मनोरम उद्यान। हक साहब की पूरी जिंदगी या वर की तरह रही। वे दूसरों की खुशी के लिए जिए, मगर उनकी खुद की पारिवारिक जिंदगी खुशहाल नहीं रही। पारिवारिक जीवन कष्टमय होने के बावजूद इनका राजनीति कद बढ़ता गया। मौलाना मजहरुल हक एक ऐसी शख्सियत बिहार में हुई जो जिसका मुकाबला किसी भी रहनुमा से नहीं किया जा सकता। वो उन्होंने बैरिस्ट्री पास करने के बाद फ़कीरी अख्तियार कर ली, लेकिन फ़कीरी ऐसी नहीं, उन्होंने सामाजिक खिदमत के लिए अपने को वक्फ कर दिया और अपनी पूरी जायदाद को आवाम की खिदमत के लिए दे दिया। 1909 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए। इसी वर्ष इन्होंने मार्ले मिंटो नीति अधिनियम की गहरी आलोचना की। फिर 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आगमन का स्वागत किया। साथ ही रॉलेट बिल एक्ट के विरुद्ध असहयोग आंदोलन और फिर अन्य कई आंदोलनों में इनका सक्रिय योगदान रहा। और वो दौर जिस दौर को मौलाना मजहरुल हक हैं, उस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बिहार के अंदर जो है वो राजनीतिक तौर पर कोई बेदारी नहीं आई थी, लेकिन मौलाना मजहरुल हक का एजुकेशन लंदन में हुआ था। और जब गांधी हिंदुस्तान आते हैं 1915 में और चंपारण सत्याग्रह की बात गांधी ने जब की, तो वो मिलने के लिए पहले जब पटना आए 10 अप्रैल 1917 को, तो मौलाना मजहरुल हक से वो मिले। मजहरुल हक साहब ने वो चंपारण के सारे में सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बतलाई और फिर मजहरुल हक साहब से सलाह मशवरा करके वो चंपारण के लिए रवाना हुए। तो चंपारण जो गांधी के बनाने के लिए या हिंदुस्तान की सत्याग्रही के इतिहास में जो एक पहली जगह है जिसने गांधी को गांधी बनाया, गांधी जी ने खुद कहा कि इट वॉज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंडिया। अब उसके वन ऑफ द पिलर्स में से मौलाना मजहरुल हक थे। इसी बीच असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बहुत से छात्रों ने सरकारी अनुदान पर संचालित शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। उनको बेहतर तालीम देने के लिए मौलाना साहब ने गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सहयोग से बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। जब गांधी जी ने 1920 में आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेजों का परित्याग करें, वकील व कोर्ट का परित्याग करें, तो मौलाना साहब आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान दिया, प्रैक्टिस छोड़ दी और विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यापीठ की ज़मीन खरीदी और उनकी शिक्षा का वहाँ प्रबंध किया। स्वयं बिहार विद्यापीठ के चांसलर बने, ब्रजकिशोर बाबू उनके वाइस चांसलर हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें केवल राजेंद्र प्रसाद थे, वे वहाँ के प्रिंसिपल बने। बिहार विद्यापीठ के गठन के कुछ ही दिनों बाद पटना इंजीनियरिंग स्कूल के विद्यार्थियों और प्रिंसिपल के बीच गंभीर मतभेद हुआ। स्कूल में हड़ताल हुई और सभी छात्र हक साहब के पास आ गए। कड़ाके की सर्दी का भी ख्याल न करते हुए हक साहब उन छात्रों को लेकर पटना दानापुर रोड पर एक बागीचे में चले आए, जहां उनके एक मित्र का बंगला था। हक साहब अपने खर्च से वहां मकान बनवाए और उसका नाम रखा सदाकत आश्रम। वहां चरखा बनाने का कारखाना खोला गया। हक साहब दिन रात वहीं रहते और लड़कों को पढ़ाते। उसमें अधिकांश लड़के हिंदू थे। हक साहब हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। जाति धर्म के नाम पर विषमता फैलाने वालों के वे जानी दुश्मन थे। असहयोग आंदोलन के समय हक साहब ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया।
असहयोग आंदोलन का असर हक साहब के जीवन पर इतना पड़ा कि उन्होंने थिंती अंग्रेजी पोशाकों का परित्याग कर दिया और सादा जीवन व्यतीत करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना साहब ने आगे बढ़कर भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की, उन्होंने अखबार निकाला, अंग्रेजों ने अखबार बंद कर दिया, उन पर फाइन लगा दिया। मौलाना साहब का विश्वास था कि इस आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ होकर लड़ना चाहिए और वे हिंदू मुस्लिम एकता के अंत तक हिमायती बने रहे। वर्ष 1926 आते आते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंततः उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने आशियाना आ गए। आशियाना नाम उनकी सूफी सोच का प्रमाण था। उनका कहना था, यह दुनिया एक आशियाना है, मतलब घोंसला है, जहां लोग निवास करते हैं। आखिरकार वह दुखद काल भी आ गया जब 2 जनवरी 1930 को हक साहब लंबी बीमारी के बाद अपने आशियाना में जिंदगी की अंतिम सांस ली। आशियाना एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है, जहां उनका मजार है। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा, मौलाना मजहरुल हक एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान और कौमी एकता के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। कौमी एकता का सबसे बड़ा प्रवर्तक आज भी गुमनामी के चादर ओढ़े है। उनका शिक्षा स्थली सदाकत आश्रम आज शिक्षा के बदले राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अगर उनके गुमनामी के अंधेरे को कोई चीर रहा है तो वो है मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय। पटना के बेली रोड पर स्थित मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय हक साहब के सपनों को साकार करते हुए ज्ञान की गंगा बहा रहा है। विगत कुछ वर्षों में ही करीब 3000 छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर कमर अहसन, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मिर्जा और विश्वविद्यालय प्रशासकों के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय लगातार तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। सन 2008 में मैंने इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जिम्मेदारी ली। उस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थे और ना ही कोई कोर्स चल रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि जो काम भी हम करें, वो जिसके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, उसके आइडियाज़ एंड आइडियल्स के मुताबिक हो और जो टारगेट ग्रुप है इस यूनिवर्सिटी का, उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। जहाँ BBA, BCA, BJMC, पंचायती राज अकाउंटेंसी, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप, मेन्यू स्क्रिप्टोलॉजी, डिप्लोमा इन फंक्शनल अरेबिक, डिप्लोमा इन फंक्शनल पर्शियन के साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज की शिक्षा सफलतापूर्वक दी जा रही है। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जहां पहली मर्तबा आलिम एवं फाजिल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के अंदर कुल 116 मदरसे पंजीकृत किए गए हैं। कि मदरसा के हायर एजुकेशन को हमने मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ा है। मेन स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब यह है कि जो आलिम फाजिल करते हैं उनको यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलती थी। 116 ऐसे मदारिस हैं जिनको हम लोगों ने जोड़ा है और उनकी डिग्री को यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज कराया है पूरी दुनिया में। सन 2010 में MBA की भी पढ़ाई शुरू की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय ने 4 स्कूल ऑफ थॉट का संचालन शुरू किया है, जो अब्दुल कय्यूम अंसारी स्कूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड मीडिया स्टडीज, जस्टिस सरवर अली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मखदूम यहिया मनेरी स्कूल ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज, सूफिज्म हिस्ट्री एंड कल्चर और प्रोफेसर अब्दुल बारी
स्कूल ऑफ सोशल वर्क है। इसके माध्यम से शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी जो मौलाना मजहरुल हक साहब जैसे महान शख्सियत के नाम से जुड़ी हुई है, बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन पिछले जब से इसके इस्टेब्लिश किया गया 1998 से लेकर के आज तक, इसको कोई ख़ास इसको कोई काम इसको रहा नहीं, ना लड़के थे, ना जगह थी, ना काम करने का कोई अपना दायरा था। 2008 में एक ज़िम्मेदारी के साथ हम और हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर कमर हसन साहब, हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, हम प्रो वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर। उसके बाद उन्होंने एक विजन पेपर तैयार किया और विजन पेपर के तहत हम लोगों ने आगे काम शुरू किया। सदा के लिए बंद हो गया उनका उपयोगी पत्र मदरलैंड का पुनः प्रकाशन भी विश्वविद्यालय द्वारा कैंपस संवाद के रूप में कराया जा रहा है। अलामा जमील मजहरी के नाम पर रखा गया इनका एक अपना केंद्रीय पुस्तकालय भी है। जिनमें मैनेजमेंट, आईटी, कम्युनिकेशन, सूफिज्म और कंपटीशन से जुड़ी सारी किताबें मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी हर क्षेत्र में अच्छा डेवलप किया है, बहुत आगे बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी और आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और मौलाना मजहरुल हक का नाम रोशन करेगा यूनिवर्सिटी के रूप में। आम और गुलाब के प्रति उनके स्वाभाविक आकर्षण को भी विश्वविद्यालय सहेज कर रखना चाहता है, तभी तो सुंदर सा बागवानी भी है। छात्र छात्राओं के मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है। कहा जाए तो मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय उनके सपनों को साकार करते हुए अकेले दम पर भी कौमी एकता को बनाए रखकर शिक्षा का सागर बहा रहा है। मौलाना साहब कहते थे, चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान, हम एक ही नाव के सवारी हैं, हमें साथ ही पार करना है या साथ में ही डूब जाना है।